बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नन और मैं हूं भाभी। आप देख रहे हैं खाने में तड़का विद नन भाभी। तो आज हमारे किचन में क्या बना है भाभी? आज हमने बहुत मजेदार सा ठंडा सा शरबत तैयार किया है, वो भी आप सब लोगों के लिए। रमजान आने वाले हैं तो दिन भर के बाद आप बहुत ज्यादा शदीद प्यास लगती है, तो आप इसको पियेंगे तो आपकी सारी थकन और सारा हर चीज जो है दूर हो जाएगी और एक ताजगी मिल जाएगी आपको। तो बगैर देर किए हम कहाँ चलते हैं रेसिपी की तरफ। देखिए, एक गिलास हमने पानी लिया और एक प्याला हमने तरबूज लिया, जिसके इस तरह छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिए। और अभी हमें लाल नहीं मिला था तो इसलिए हमने इसी से काम चला लिया है। और ये खाने के 2 चम्मच हमने जो है वो लिया है रू अफजा लिया है हमने, और खाने के 2 चम्मच हमने चीनी लिए। मीठा आप अपने टेस्ट के हिसाब से रख लीजिएगा। और ये बर्फ़ लिया है हमने। सबसे पहले हम जो है पानी में हम चीनी ऐड करेंगे और इसी के साथ ही हम इसमें रू अफजा भी ऐड कर देंगे ताकि दोनों को अच्छे से हम हल कर सकें। रू अफजा नौरस आपको जो मिले वो जी आप डालें। अच्छे से हम जो है चीनी को हल कर लेंगे, फिर हम इसमें बर्फ़ ऐड करेंगे, वरना फिर बर्फ जब हम डाल देंगे ना तो फिर चीनी हल नहीं होगी अच्छे से। अच्छा भाभी, आप इसको इस तरीके से बनाती हैं? वैसे मैं एक और अच्छे तरीके से बनाती हूँ, लेकिन आपसे अच्छा तो नहीं बनाती, लेकिन मेरा एक और तरीका भी है। कौन सा तरीका? वो भी शेयर करें आप। जो आपको पसंद नहीं है क्या? मैं इसके अंदर तुक मलंगा डालती हूँ। आपको नहीं पसंद ना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं पसंद है, तो इसीलिए मैंने बोला नहीं आपको, वरना तो मलंगा जान डाल देते। हाँ, लेकिन हमें भी और शरबत बनाने रमजान के हवाले से, तो हमें जो है इस्तेमाल तो करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल करना पड़ेगा, उसको आप लोग पी के एंजॉय करिएगा। अच्छा भाभी का ये नहीं है कि वो उनको पसंद नहीं है तो वो बिल्कुल नहीं बनाती, ऐसा नहीं है। जो चीज़ नहीं भी पसंद होती फिर भी हम लोगों के लिए बनाती हैं। जी बिल्कुल। ठीक है, हम इसमें जो तरबूज डालेंगे सारे। जी, थोड़े भी नहीं रोकेंगे? नहीं, थोड़े भी नहीं रोकेंगे। आपको अगर खाना है तो आप शरबत में से ही खाइए। अगर आपको रेड मिल जाए तो आप रेड यूज़ कर लिएगा, बहुत अच्छा लुक देता है। आप मुझे जो शरबत पिलाने का कह रही है ना, अगर मैं आपको दिखा सकती ना कैमरे वालों को, कैमरे के पीछे जो बैठ के हमारी वीडियो देखेंगे इंशाल्लाह, तो अगर मैं उनको दिखा सकती ना तो दिखाती कि हम मेरे पीछे कितना रश है इस शरबत के पीछे। अब इसमें हम जो है बर्फ़ ऐड करेंगे। तैयार है ये? बिल्कुल तैयार है ये पीने के लिए। देखिए, ये देखिए जनाब, ये देखिए बिल्कुल रेडी है ये। इसको बनाइएगा, रमज़ान में बहुत फ़ायदेमंद है ये और बहुत तवानाई पहुंचाता है दिन भर के प्यास के बाद। अगर आप इसको अफ्तारी में, वीकनेस नहीं होती और फिर आप इस पर कोई बहाना नहीं कर सकते कि आपको पानी की कुछ कमी हुई है जी। तो आप इसको आराम से पी सकते हैं। आराम से आप बना के इसको पिए, इंजॉय करें इसको अफ्तार में, और बनाइएगा ज़रूर, इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। और पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपनी दुआओं में बहुत याद रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।